नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में कि आप ई बुक की सहायता से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और ई बुक क्या होता है और ई बुक कौन से वेबसाइट में मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा NCERT का सारे बुक 1 से लेकर 12 तक आप चाहते हैं हिंदी माध्यम से चाहते हैं तो हिंदी माध्यम से भी आपको अवेलेबल है, और आप इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले थे, आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई बुक होता है क्या। जैसे कि हमारे पास फिजिकल बुक होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल बुक हमारे हाथों में होता है और हम पढ़ाई करते हैं और वो बुक हमारे पास नहीं होता है, उसी तरह का बुक हमारे नेट में भी अवेलेबल है। जैसे कि हम नेट की सहायता से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐप की सहायता से पढ़ाई कर सकते हैं या वेबसाइट में जाकर के जो भी हमारा बुक का PDF है उस सारे PDF को हम डाउनलोड करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट में भी जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउजर है उस वेबसाइट पे आपको जाना है और उस वेबसाइट में आपको PDF का भी व्यवस्था दिया हुआ है और ऑनलाइन भी व्यवस्था दिया हुआ है और ऐप का भी व्यवस्था दिया हुआ है, आप ऐप के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है यार। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आप कैसे आएंगे, लिंक कहाँ मिलेगा, मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी आप मत जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिलने वाला नहीं है। और जैसे ही हम लास्ट में बता देंगे कि आपको लिंक कहाँ मिलेगा, तो आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे टेक्स्ट बुक क्लास 1 to 12, ठीक है, PDF और टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 1 to 12 फ्लिप बुक। तो यहाँ पे हम फ्लिप बुक में क्लिक करते हैं पहले और देखते हैं फ्लिप बुक हमारे पास किस तरह से है और किस तरह से हम फ्लिप बुक के माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में यहाँ पे डेस्कटॉप मोड करेंगे और इसको जैसे ही हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम क्लास 10th का मैथ हम निकालने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। अब देखिए किस तरह से निकालना है आपको, यहाँ पे मैथ आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखिए गणित सेलेक्ट करना है अगर हिंदी मीडियम में आपको चाहिए, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो यहाँ पे मैथमेटिक्स से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम गणित सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे गणित सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा गणित बुक आ जाएगा हमारे सामने। देखिए यहाँ पे खोल रहा है, कुछ इस तरह से खुलेगा और जैसे ही हम यहाँ पे पलटाने का कोशिश करते हैं, देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा बुक ही खुल रहा है। देखिए हम यहाँ पे चैप्टर 2 खोल रहे हैं और सारे चैप्टर साइड में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे एक एक करके क्लिक करके सारे चैप्टर को देख सकते हैं और सारे चैप्टर का पढ़ाई आप ई बुक के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखते हैं ये बुक जो भी है, ये हमारा चैप्टर 2 ये हमारे सामने किस तरह से खुलता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से बुक की तरह हमारी पेज पलटेगी और पूरा बुक का ही जैसे हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है इसलिए यहाँ पे सारे पेज में दिखाई कुछ नहीं दे रहे हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का नज़ारा है, देखिए यहाँ पे तो यही सब है, आपने देख ही लिया किस तरह से फ्लिप बुक होता है। और जो क्लास को आपको चाहिए उस क्लास का सारे चैप्टर को आप देख सकते हैं और उसका पढ़ाई भी कर सकते हैं। देखिए चैप्टर हम यहाँ पे 14 लेते हैं और फिर 14 को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे तो ये है हमारा फ्लिप बुक और देखते हैं PDF हमारा किस तरह से काम करता है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, आपने यहाँ पे फ्लिप वाला देख ही लिया, फ्लिप बुक किस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं ये बुक की सहायता से। अब देखते हैं पीडीएफ। अब पीडीएफ किस तरह से इसका डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। जैसे कि आपको ऑफलाइन पढ़ाई करना है, आपके मोबाइल में रिचार्ज यानी कि नेटफ्लिक ख़त्म हो जाता है, तो उस समय आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे उसी तरह से ठीक सेलेक्ट करेंगे फिर, और यहाँ पे हम यहाँ पे 10th लेने वाले हैं, और 10th के बाद यहाँ पे फिर हम सही कि मैथ, और फिर हमारा यहाँ गणित का सब्जेक्ट है जो भी, हमने यहाँ पे गणित ले लिया क्योंकि हमें हिंदी मीडियम में चाहिए। और देखिए हमारे सामने खोल के आ चुका है जो भी हमारा गणित है, और यहाँ जिस जिस चैप्टर का अगर आप ओपन करना चाहते हैं उस चैप्टर का पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमें वहाँ फर्स्ट चैप्टर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ओपन जैसे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। चलिए देखते हैं इसे ओपन करके पीडीएफ को। देखिए ये पीडीएफ हमारे सामने आ चुका है, और कुछ इस तरह से पीडीएफ दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास नेट पैक अवेलेबल नहीं रहता है, घर में नेट नहीं रहता है, तो आप पीडीएफ की सहायता से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसका ऐप भी हम बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और फुल इन्फॉर्मेशन लीजिए, आधा नहीं। और अभी तक कमेंट नहीं किया है, एक तो कमेंट करना होगा भाई हमारे इस वीडियो के लिए, क्योंकि हमने बहुत से मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद जाके हमें ये मिला है। और जैसे कि आपको हम बताएं पहले कि ऐप के बारे में, अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है हमारे पास, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट प्ले स्टोर में कर दिया जाएगा, और यहाँ पे ई पाठशाला के नाम से आपको NCERT का बुक प्रोवाइड किया जाएगा इस ऐप में, और इस ऐप में भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, आप इसे देख लें एक बार डाउनलोड करके। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में भी हमें वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर इस वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और उसे पिन किया गया है, आप वहां से जा कर के क्लिक करके आप रिडायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। चाहते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनता है यार। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय।